के मौला हुसैन भागते हैं मक्तल की जानिब। 18 साल जवान हम शक्ल पैगंबर को देखने के लिए लेने के लिए, तो कहते हैं कि बेटा मुझको कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ नजर नहीं आता। ये होता है जवान बेटा, जब जवान बेटे की मैयत हो जाए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप देख सकते हैं असद भाई किस तरह से अभी भी पुरसा दे रहे हैं। साहब छोटा ना साहब प्यारा ही मेरा बच्चा साहब छोटा ना एदा मेरा प्यार सी एदी मां दा एदे भाई बड़े अली मन प्यार सी बस साइकिल ते लेके जाना नासा पढ़ने वास्ते बहुत प्यारा के पीछे बैठा मैं ते एक इंशा अल्लाह वक्त ऐसा आएगा कि असी नाल से दूर करेंगे नहीं कि मतलब कि 6-7 साल हाल तक नहीं हार रहा कोई परेशान नहीं होना मैं तेरे नाल उन्हें क्या कटिया। पहले हमें इनकी जान बचानी है, जब तक इनके सांस है हमने कोशिश करनी है, ये तो सब कुछ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, असद अब्बास जो पाकिस्तान के स्टार हैं, पाकिस्तान के नामवर गायक हैं, वो इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर हैं। अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल फैसलाबाद के आईसीयू में ये एडमिट हैं और इनके वाली साहब इनको टहलाने के लिए ज़रा बाहर लेकर आए। नाज़रीन मोहतरम, ये वो आवाज़ है जो आपको महसूस करती रही, ये वो असद अब्बास है जो सितारे की तरह चमकता रहा, ये वो असद अब्बास है जिसको लोग पसंद किया करते थे, ये वो असद अब्बास है जो अपनी आवाज़ में आप लोगों से मांगता रहा कि भाई खुदा के वास्ते मेरी मदद की जाए, मेरी इमदाद की जाए, मेरी अपील की जाए। पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ तक इनकी आवाज़ को सुना जाता रहा कि यही कहते रहे कि भाई मेरी इमदाद की जाए, मेरी मदद की जाए। ये पाकिस्तान के शाइनिंग स्टार रहे मगर एक वक्त तक, अब इनको कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा, इनकी इमदाद नहीं कर रहा। डेली बेस पर इनके डायलिसिस हो रहे हैं, डेली बेस पर, और डायलिसिस पर पहले तो हफ्ते में 1-2 मरतबा होते थे मगर अब डेली बेस पर इनके डायलिसिस हो रहे हैं और ये बिस्तर मर्ग पर आ चुके हैं। कैमरामैन आपको दिखला रहा है कि अब इनकी हालत क्या हो चुकी है, अब इनकी वो रंगत नहीं रही, इनकी वो शक्लो सूरत नहीं रही, ये बीमार पड़ चुके हैं। इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हुजूर, मैं आपसे इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ कि पाकिस्तान के वो स्टार हैं जिनको हम खो रहे हैं। हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बहुत अपीलें की, बहुत इमदाद के लिए आवाज़ बुलंद की मगर किसी ने कुछ नहीं किया। जिन्होंने किया आप उनके शुक्र गुजार हैं और आपने शुक्र अदा किया पहले भी, अब भी कर रहे हैं, लेकिन जितना हमको चाहिए था उतना हो ना सका। असद अब्बास जवान बेटा, क्या गुजरती है बाप पर? नाज़रीन मोहतरम, मैं इस वक्त जुबान गुंग है, अल्फाज साकित हैं, मुझे मालूम नहीं मैं क्या बात करूं। असद अब्बास भाई के वालिद हैं, 15-20 रोज से ये एडमिट है आईसीयू में, आंखें बोल रही हैं, आंखें बातें कर रही हैं, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई नहीं आया। ये कहते रहे कि मेरे मौला करम होकर, मेरे मौला करम हो करम हो, मेरे मौला करम हो करम हो। अब तक मौला ही का करम है, आपने कुछ नहीं किया। अंदरूनी तौर पर शिकस्ता हो चुके हैं, हार चुके हैं हुजूर, हार गए। उम्मीद है लोगों से, आवाम से? डॉक्टर्स क्या बताते हैं? डॉक्टर्स बहुत हौसला दे रहे हैं,
गुर्दे तो खत्म हो गए ना, जिगर भी खत्म हो गया, जिगर भी खत्म हो गया, अपना सी फोन पेट की नाड़ी की पाकी पेट पे गई है, हेपेटाइटिस सी की आखिरी स्टेज एंड एंड हो गया। अच्छा डॉक्टर ने ये बताया कि आप आखिरी बार मिलवा लें रिश्तेदारों से। नाज़रीन मोहतरम, तमाम रिश्तेदार इनसे वक्तन फवक्तन मिलने आ रहे हैं, मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। थक गए ये, हार गए ये। अब डॉक्टर्स ने भी इस तरीके से जवाब दे दिया कि भाई तो इनसे कहा गया कि आप तमाम रिश्तेदारों को बुलवाएं और तमाम रिश्तेदार इनसे बारी बारी वक्तन फवक्तन आकर मिलते रहे और अपनी मोहब्बतें दिखलाते रहे। दिल आसना ने तुम्हारे कोई किसी किस्म की बचन बुलाया नहीं, सन वसूल असल जी देखिया नहीं करना करना जे हिलदा सा ले देखे जे नहीं भी खाजी में खा लोगा हालात। आप स्क्रीन पर इनका नंबर चलता भी देख रहे हैं और इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अभी भी पूरी उम्मीद है मगर अल्लाह की बारगाह में पूरी यकीन है, इलाही अमीन, यकीन है इलाही अमीन, रब पर यकीन है, इलाही अमीन, रब पर उम्मीद नहीं होती भाई, यकीन होता है और रब पर यकीन है इंशाल्लाह, और यकीन रहेगा इंशाल्लाह कि रब कर्म करेगा इंशाल्लाह, वही कर्म करता है क्योंकि जो रब है वही सब है इंशाल्लाह, वही तो कर्म करता है। मगर लोगों से उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए। इनकी जोजा भी मेरे साथ आपने वीडियो में देखा, अभी भी मौजूद होंगी। इनके बच्चे जो हैं जिनकी बड़ी आंत का मसला है और इनका बेटा जो अब पखाना नहीं कर सकता, वो भी बच्चा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और अभी कुछ देर में आप देखेंगे। नाज़रीन मोहतरम, उस बच्चे का भी ऑपरेट होगा और इनकी बीवी की जानिब से हमको ये बताया गया कि भाई असद भाई की जो उनसे बात हुई है आखिरी बार वो यही हुई कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरे भाभी भी मौजूद हैं, मैं बस इनके वाले साहब से एक जुमला लेकर फिर भाभी की जानिब बढ़ता हूँ, आप बल्कि आपसे मुखातिब हूँ कि मौला हुसैन जब मक्तल में जा रहे थे तो हजरत अली अकबर 18 साल जवान बेटा, जब जनाबे अली अकबर ने ये कहा कि बाबा मेरी खबर लीजिए, बाबा मेरी खबर लीजिए, तो जब मौला हुसैन भागते हैं मक्तल की जानिब 18 साल जवान हम शक्ल पैगंबर को देखने के लिए लेने के लिए, तो कहते हैं कि बेटा मुझको कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ नजर नहीं आता। ये होता है जवान बेटा, जब जवान बेटे के मैयत हो जाए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप देख सकते हैं असद भाई किस तरह से अभी भी पुरसा दे रहे हैं, जब मैंने जिक्र किया तो वो पुरसा दे रहे हैं। दिया, दिया। उनका ये इश्क है, उनका ये कायदा है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये पुरसा दे रहे हैं, उनका ये कायदा है। उधर मुझे बताइए, बस आखिरी जुमला आपसे मुझको लेना है क्योंकि आपकी आंखें बातें कर रही हैं। इनके कुछ बचपन का ऐसा वाकया वो जरा मुझे बताइए कि बचपन में किस तरह से आपसे ये लाड़ किया करते थे, आप कैसे लाड़ कर जरा मुझे बता दें, और अब ये आपके हाथों से आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है। साहब तो छोटा ना, साहब तो प्यारा ही मेरा बच्चा, साहब छोटा ना, ये ना मेरा प्यार सी, ये दी माँ का, ये दी भाई बड़े अली मन प्यार सी, यानी मेरा ही भी प्यार सी, बाकी गलम सैकल से लैके जाना नासा पढ़ने वास्ते बहुत ज़्यादा कहते हैं सब, वैसे यही कह चले वक्त ऐसा आएगा कि असी ना रुचो जुड़ा करेंगे, क्योंकि ना तो पढ़ जाना सू ना इश्तिहाज जो ना लिखो ना तो पढ़ाते सारे नहीं पढ़ाने से, तो जो ना पढ़ लेनी तो बारह एक बज जाने तो उससे मैं कहते पढ़ते पे कहते पढ़ते पे मूँह मत हो ना इन्होंने दोनों आग ना शुरू करनी तो नाथ खान आ रहे हैं यार बच्चे कैसे हैं इनका कार्ड में कार्ड को टूटी सैकल से आए आखिरी बार कोई बात की हो आपने या इन्होंने आपसे कुछ कहा हो? हार इसी बच्चे की इन्नी कीमत है कि छिमा सतमा साल हाल तक नहीं हार रहा, बहुत परेशान नहीं होना मैं तेरे ना हूँ क्या कर शेर होगा उतर भी है किन्ने सा दिन हो गया गुड्डे वास्तव में शक्ल की बन गई हीरो जी ने ला दते रख दी बच्चे फोटो देखो माँ हो के ना भैन हो के असं भी तो मर पुरुष असं देख जिस बच्चे जवानी बैठे फोटो देखी हो लटाया हो सीने के बाद अज तो चार बजे तुरते थे कले कह तुरते थे माँ ने कहा देखी नजर सदका दे सदका देना सदका देना अम्मी सदके दिया बार बार सदके कले सदके लगा देना बकरे लैट सदके बिल्कुल नजर ना लगे
बहुत बुरी गल सर सच के दिन हम भी सब नजर लग गए नाजरे मोहतरम मैं खामोश हूँ बस मैं ढाबे की जानी बढ़ रहा हूँ भाभी आप मुझे बताइए जो नकी अब्बास है जो बेटा है असद अब्बास का आपका जो चांद है असद अब्बास भाई का आपका चांद है उसकी भी बड़ी आंख का मसला है डॉक्टर्स क्या बताते हैं मुझे बताइए बस उन्होंने यही बताया कि इसकी जो बड़ी आंख है ना दो आंख होती है इंसान के अंदर एक बड़ी और एक छोटी जो बड़ी आंख है ना वो कहते वो सारी की सारी डैमेज है यानी वो सारी रिमूव करनी है तो उसका ऑपरेट होना है तो भी पैसे ना होने की वजह से मैं उसका भी ऑपरेट नहीं करवा पाई क्योंकि जितनी लोगों ने इमदाद दी है पहले इनकी जान ये है तो सब पहले हमें इनकी जान बचानी है जब तक इनके सांस है हमने कोशिश करनी है ये तो सब कुछ है बस पखाने का मसला है बच्चे का कि वो बच्चा जी जी नाज़रीन मोहतरम ये सारी दास्तान सारी रुदात सारी कहानी आप लोगों ने सुन ली इससे पहले भी तमाम लोगों ने सुनी शेयर भी किया लोगों के साथ बांटा भी आखिर पर बस मैं यही कहूँगा कि खुदारा कोई ऐसा मसीहा कोई ऐसा शख्स जो खौफ़ खुदा रखता हो खुदा का वासिता ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ अपील कर रहा हूँ असद अब्बास को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या से क्या हो गए पहले तो बात किया करते थे अब तो बात करने से भी कासिर उनके वाली साहब हमारे साथ मौजूद थे उनकी जोजा हमारे साथ मौजूद थी बात कर रहे थे टूट गए थक गए मगर हारे नहीं है क्योंकि असद अब्बास नहीं आ रहा असद अब्बास खड़ा हुआ है पैगाम को शेयर कीजिए और असद अब्बास भाई का नंबर नीचे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स आप चलती हुई देख रहे हैं खुदारा इमदाद की अपील है खुदारा अल्लाह का वासिता आप जिस जिस से मोहब्बत करते हैं आपको आपकी मोहब्बतों का वासिता अपील कर रहे हैं खुदारा मदद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स से महसूस हो सकें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर